Hello everyone and welcome back to my channel. So today's video is going to be all about food I cooked this weekend. And weekends are always about non-veg at our home. And my husband is a big foodie and he always prefers non-veg to eat in the weekends. So come, let's quickly get started. So we started off with cleaning the non-veg. So my husband helped me, he cleaned and everything, and now I'm marinating the chicken. And we have just decided to do basic things like some chicken gravy, and he also got some boneless chicken, jisse ki main chicken 65 banaungi. So I'm going to marinate all these separately. ये अभी मैरिनेट हो गया है. आई जस्ट एडेड ऑल दोज बेसिक स्पाइसेस लाइक सॉल्ट, चिली, कर्ड एंड सम नींबू, ऑल दोज थिंग्स. सो नेक्स्ट आई विल गो अहेड एंड चॉप ऑल द थिंग्स नीडेड फॉर द ग्रेवी, दैट इज ऑनियन, टमाटर, ऑल दीज थिंग्स. सो आई एम जस्ट मेकिंग दैट बेसिक चिकन ग्रेवी, जो कि सिर्फ प्याज और टमाटर से ही मैं बनाती हूँ. लाइक इट विल बी लाइक लिटिल ड्राई और इन सेमी ग्रेवी कंसिस्टेंसी, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन हु इज़ गोइंग टू ईट. सो आई डोंट मेक लॉट ऑफ ग्रेवी, इट विल बी लाइक सेमी ग्रेवी. सो आई एम चॉपिंग वन मीडियम साइज अनियन एंड टू टमाटोज. सो ये मैंने खड़े मसाले लिए लाइक स्टार एनीस, कार्डिमम, लाइक बे लीफ, सिनेमन स्टिक, ऑल दिस थिंग्स. आई विल स्टार्ट विथ एडिंग ऑल द स्पाइसेस इन द ऑयल. सो जैसे ही उनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, आई विल जस्ट क्विकली गो अहेड एंड ऐड ऑल द चॉप्ड ऑनियंस and saute it till it turns into dark brown in color. So something like this. And then I'll put all that marinated chicken in this and then give it a good mix. अच्छे से मिक्स करने के बाद बस इसे कवर करके थोड़ी देर पकाना है, लाइक 5 to 10 मिनट्स, सो दैट चिकन विल रिलीज ऑल दैट वाटर. एंड नेक्स्ट चपाती के लिए मैं आटा लगा लेती हूँ. बाय द टाइम दैट विल कुक, आई विल डू ऑल दो स्मॉल प्रिपरेशंस, जो कि चपाती के लिए आटा गूंथना हो या फिर राइस रख लेना हो, ऑल दिस थिंग्स. सी नाउ चिकन हैज रिलीज्ड क्वाइट अ लॉट वाटर. इस टाइम तक चिकन 50% बॉयल हो चुका होगा एंड दिस टाइम आई विल ऐड ऑल द चॉप्ड टमाटोज एंड गिव एवरीथिंग गुड मिक्स. आई एम नॉट ऐडिंग वाटर जब तक कि वो पूरा आधा पक नहीं जाता है, वो अपने मॉइस्चर में ही पूरा अच्छे से बॉयल हो जाना चाहिए, तब भी दैट टेस्ट रियली गुड. एंड देन आई एम जस्ट ऐडिंग ऑल दोज बेसिक मसालाज लाइक चिकन मसाला, गरम मसाला, ऑल दोज थिंग्स, एंड आई विल मिक्स एवरीथिंग एंड अगेन आई विल कवर द लिड एंड लेट दैट बॉयल. And after another 10 minutes, chicken is almost ready. मैं बस चम्मच से दबा के देख रही हूँ कि ये बॉयल हुआ है या नहीं. एंड येस, इट्स परफेक्टली डन. एंड देन आई विल जस्ट गो अहेड एंड पुट लेमन जूस, सम कोरिएंडर, मिक्स इट एंड येस, इट इज़ रेडी.
मैंने चिकन में कोई पानी ऐड नहीं किया, जो भी बॉईल हुआ है उसके मॉइस्चर से एंड देन जो टमाटर से जो पानी निकलता है उसी से बॉईल हो गया। दिस वे इट टेस्ट सो गुड। अगर कम लोगों के लिए बनाना है तो इट इज़ लाइक अ वेरी प्रॉपर वे टू मेक, पर अगर ज़्यादा लोग हो तो वी हैव टू लाइक मेक ऑल दैट ग्रेवी एंड ऐड वाटर एंड एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट दिस इज़ बोनलेस चिकन, जिसमें कि मैं थोड़े स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ सो दैट आई विल फ्राई दिस। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, काफ़ी ड्राई रखा है मैंने सो दैट दैट विल बी वेरी क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड। एंड नेक्स्ट इट्स टाइम टू फ्राई देम। लाइक जो भी नॉनवेज मैं बनाती हूँ काफ़ी स्मॉल क्वान्टिटी में ही बनाती हूँ, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन हु गोइंग टू ईट। लाइक वो लंच में भी हो जाता है एंड देन अगेन डिनर में भी वही हो जाता है उनके लिए। So look at this, they look lovely. क्या हुआ आयरा, क्या चाहिए? संगीत, you make food, okay? So now chicken 65 is done, chicken gravy is done and next जो कि मैंने ग्रेवी बनाया है उसमें से कुछ पीसेस मैं हटा के उन्हें फ्राई करूँगी तवे पे। फॉर दिस चिकन फ्राई आई जस्ट डू बेसिक थिंग्स, जस्ट गर्म ऑयल में मैंने ग्रीन चिलीज ऐड कर दिया, थोड़े करी लीफ ऐड कर दिया। इफ़ यू गाइज वॉन्ट यू कैन ऑल्सो ऐड अनियंस बट आई डोंट प्रीफर एडिंग दम। थोड़ी सी हल्दी वो अच्छे कलर के लिए एंड देन लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड उसके बाद जो मैंने लाइक चिकन के पीसेस निकाल के रखे थे उन्हें ऐड करके अच्छे से लाइक रोस्ट कर दूंगी इनको। ये मेरे हस्बैंड का लाइक फेवरेट चीज़ है, ही ऑलवेज वॉन्ट दिस एंड ऑल्सो वेरी सिंपल टू मेक, काफ़ी कम टाइम में बन जाता है। एंड द मेन थिंग हियर इज़ दिस मसाला, ये पेपर चिकन मसाला है, इसे ऐड करने के बाद उसका टेस्ट लाइक बहुत अमेजिंग हो जाता है। लाइक मुझे तो पता नहीं, लाइक माय हस्बैंड सेज दैट ये मसाला ऐड करने के वजह से ही इसका फ्लेवर पूरा बदल जाता है। लुक एट दिस, सो लुक एट दिस, ऐसे पूरा कलर चेंज होने तक उसको फ्राई करना है, ऑल दोज ब्राउन स्पॉट्स ऊपर दिखना है तब तक। एंड उसके बाद बस कोरिएंडर ऐड करके थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके बस दिस इज़ इट, इट्स रेडी। And next I'll start rolling chapatis. Rice is also done, chicken fry, chicken gravy and chicken 65, all three are done. And for me, I'm just going to eat this chapati and some palak paneer I made for myself. Kuch palak paneer jaisa usme nahi hai, I just added those paneer and palak onto the tawa and just sauteed it little bit. Because I like it that way and now I'm plating this for my husband. And no matter kitna bhi kuch ho, he always need egg. So I'm making this double fry. Either he need like boiled egg or egg burji or masala omelette. Something he need like egg ka bana hua. So yes, this is it. Our lunch plate is ready. I hope you guys like this vlog. If you like this vlog, please give it a big thumbs up and make sure to subscribe to my channel and also follow me on Instagram. And I will see you in the next video. Bye bye.